रोहतास जिले के डेहरी में एसडीएम के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से डंप किए गए बालू को जब्त किया गया। दरअसल डेहरी इलाके के NS2 पर कोयला डिपो के पास से दर्जनों गाड़ियों से डंप किए गए लाखों के बालू को प्रशासन ने जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में डेहरी के SDO, ASP तथा जिला खनन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि रोहतास जिले में सोन नदी से अवैध रूप से बालू निकालकर बालू माफिया डंप कर ट्रकों पर लादकर उस बालू को दूसरे राज्यों में भेजते हैं, जिससे सरकारी राजस्व की चोरी होती है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, आपन बिहार। अभी तक 40-45 गाड़ी जब्त किया गया है और कार्रवाई भी चल रहा है, और जितना भी अभी यहाँ होगा कोयला डिपो में सारा का सारा हम लोग।